जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आई थी तो हीरोइंस का मतलब जो सिर्फ आइटम नंबर करती है तो देन आई केम इन तो एक फिल्म आई क्वीन uh, करके तो एक मैंने जूझ कर यू नो एंड एक पैरेलल सिनेमा लड़कियों के लिए शुरू किया आई हैव ऑल्सो इनहेरिटेड माई फादर्स रेज आई हैव ऑल्सो इनहेरिटेड हिज काइंड ऑफ बंदूक लाओ गोली उड़ा, <laughs> <गोली उड़ा> दो, <laughs> इंदिरा जी थी थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल लोग पसंद है <laughs> मैं तो चाहती हूं कि हम लोग सबसे पहले तो अपना कैलाश पर्वत वापस लें। साथियों मैं फिल्मों में काम करता हूं आप लोग तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि किन फिल्मों में काम करता हूं बहुत करीब से फिल्म इंडस्ट्री को देखता हूं पहचानता हूं हमारे यहां दो तरह की हीरोइंस होती हैं एक वो जो सुपरस्टार की हीरोइन बनकर खुश रहती हैं और दूसरी वो जो कहती हैं मैं सुपरस्टार की के हीरोइन नहीं खुद सुपरस्टार बनूंगी अच्छा ये जो दूसरी कैटेगरी है इसके कुछ नाम मैं आपको गिनवाता हूं नरगिस दत्त मधुबाला मीना कुमारी हेमा मालिनी जी रेखा श्रीदेवी माधुरी दीक्षित और हमारे दौर में कंगना रनाउत सबको पता है कि हिंदी फिल्मों का भाई किंग कोई भी हो क्वीन तो बस एक ही है ये ये क्वीन हमारी और आपकी ये क्वीन इस देश की करोड़ों स्मॉल टाउन गर्ल्स का किंग साइज मोटिवेशन बन चुकी हैं। चार बार नेशनल फिल्म अवार्ड जीत चुकी पद्मश्री और मैं अगर अपना व्यक्तिगत तौर पे परिचय दूं तो मेरी बड़ी प्यारी छोटी बहन कंगना आज हमारे बीच है मैं चाहता हूं जोरदार तालियों से मंच पर इनका स्वागत कीजिए मैं शायद अपनी जिंदगी में पहली बार किसी से ऐसे बैठ के आमने सामने बात कर रहा हूँ बहुत अच्छी पहल है जो हम दोनों के बीच हो रही है हम मेरे साथ हो रही है आपने इतने प्यार से मुझे अपनी छोटी बहन कहा तो आई थिंक ये एक बहुत ही स्पेशल आप हमेशा याद रखेंगे कि मैंने पहला इंटरव्यू कंगना कर लिया था हो सकता है आगे चल के आप अपना टॉक शो करें वहाँ भी ये बात का जिक्र हो और मैं अगले 10, 20, 50 सालों तक तो कन्ना का ही इंटरव्यू करते रहना चाहता हूँ इतना कंटेंट है कन्ना के पास इतना कुछ कहने को है तो हम सब सुनने के लिए तैयार हैं क्या बात कन्ना आज की जो हमारा जो आज का इवेंट है ये अनसंग हीरोज को सम्मानित करने के लिए है वो लोग जो हमें टेलीविजन या अखबार के पन्नों में बहुत कम देखते हैं लेकिन बहुत बड़ा काम करते हैं एक चीज हमने बहुत बार सुनी है आपके बारे में तो खास तौर से कहा जाता है कि कंगना इज अ सेल्फ मेड पर्सन सेल्फ मेड गर्ल लेकिन मैं यह मानता हूं कि एक्चुअली कोई भी सेल्फ मेड नहीं होता हंड्रेड परसेंट सेल्फ मेड तो कोई नहीं होता बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने हाथों से सजाते हैं संवारते हैं एक एक पत्थर एक एक ईंट रख के किसी के व्यक्तित्व का आप जैसे विराट व्यक्तित्व का निर्माण होता है तो मैं अगर आपसे यह पूछूं कि इस हीरो के पीछे और कौन से हीरोज रहे हैं तो क्या बताएंगे आप जैसा कि आपने कहा कि ये एक आई थिंक गलत सोच है कि आ, कोई भी सेल्फ मेड होता है कोई भी पूरी तरह से सेल्फ मेड नहीं होता है बहुत सारे लोगों का प्यार आपको मिलता है आशीर्वाद आपको मिलता है और जो लोग आपको चैलेंज भी करते हैं जितना जो लोग आपको प्रोत्साहित करते हैं प्यार करते हैं आप में विश्वास रखते हैं मेरा मानना है उनसे ज़्यादा जो लोग आपको आपके मुंह पर सच्चाई बोलते हैं आप जहाँ खड़े होते हैं या आप जो हैं वो बिना किसी डर के आपको बताते हैं वो भी कहीं ना कहीं आपके अनसंग अनसंग हीरोज़ होते हैं तो ऐसे बहुत सारे लोग मुझे भी ज़िंदगी में हर एक इंसान को संवारने के लिए बहुत सारे आ, कई मोड़ पे बहुत सारे लोग मिलते हैं तो उस तरह से मुझे भी मिले हैं अनडाउटेडली एंड मोस्ट प्रोमिन उनमें से आई आई थिंक टू बिगिन विद माई फादर मेरे पिताजी जब हम छोटे थे तो वो हमेशा कहते थे कि जो मेरी बेटियां हैं वो आ, ऐसे जैसे गांव की और लड़कियां हैं वैसे नहीं होंगी मेरी बेटियां जो है आ, कभी उनको उनके ससुराल में अगर इज्जत नहीं मिलेगी तो वो लोग कभी उस डर से वहाँ पे नहीं रहेंगी कि अब हम कहाँ जाएं या हमारा क्या होगा तो मेरे पिताजी ने हमेशा ये चाहा कि हम पढ़ें और हमेशा ये बात बहुत छोटी उम्र से हमारे दिमाग में डाल दी तो मेरी सिस्टर को भी उन्होंने बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में भेजा मुझे भी पढ़ने के लिए बाहर गांव से हम एक बहुत छोटे गांव से आते हैं वहाँ मतलब लड़कियों का पढ़ना भी बहुत बड़ी बात होती है लेकिन बाहर जाके पढ़ना बड़े बड़े इंस्टीट्यूट मैं भी चंडीगढ़ में डी ए में पापा ने मुझे हॉस्टल में डाला तो उनका बहुत सपना था कि मेरे बच्चे जो है मुझे हमेशा कहते थे तुम तुम डीसी बनना तुम तुम यू नो इस तरह से हमेशा बड़े बड़े सपने दिखाते थे तो ये बात अलग है कि जब मेरे सपने कुछ ज़्यादा बड़े हो गए तो उन्होंने उन्हीं को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो गई <laughs> तो आई uh, थिंक वो भी जब मेरे मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि uh, जब मैं बाहर चंडीगढ़ में पढ़ के या जब मैं एक्सपोज हुई और uh, उसमें तो मैंने उनको कहा कि मुझे अब पढ़ना ही नहीं है आई वॉन्ट टू डू समथिंग डिफरेंट मैं अब uh, थिएटर करना चाहती हूँ या कुछ ऐसा तो उस टाइम भी मेरे पापा ने मुझे कहा कि देखो आप जो मैं एक आम इंसान हूँ जो समाज में रहता हूँ ये उनके वर्ड्स थे एग्जैक्टली exactly. और मुझे जो आता है उसमें मैं आपको गाइड कर सकता हूँ बिकॉज आप मेरी बेटी हैं और आप मेरे आ, यू, मैं आपका गार्डियन हूँ लेकिन आपको अपनी मर्जी से कुछ करना है कि पढ़ना ही नहीं है स्कूल ही नहीं जाना है कुछ थिएटर करना है बॉम्बे दिल्ली जाना है वो ना हमारा सामर्थ्य है ना क्षमता है ना इच्छा ही है कि हम बॉम्बे दिल्ली जाएँ हमारे परिवार में से कभी भी मतलब एटलीस्ट पापा और मम्मी तो नहीं गए थे तो उन्होंने कहा अगर आपको ऐसा करना है तो आप अपनी मर्जी से करो फिर हम आपका पूरा हंड्रेड परसेंट तरीके से त्याग कर देंगे पूरी तरीके से त्याग कर देंगे हाँ हाँ पूरे तो आ, तो आई थिंक चाहे वो मुझे जितना भी सराहते थे चाहे वो मुझे जितना प्यार करते थे चाहे वो मुझे जितना मोटिवेट करते थे मुझ में वो मेच्योरिटी कभी नहीं आई जब मेरे पापा ने मुझे ये कहा कि आज से यू आर योर ओन गार्डियन फ़ यू वॉन्ट टू लिव योर लाइफ द वे यू वॉन्ट टू लिव डर नहीं तो आई थिंक दीज आर योर रियल हीरोज जो आपको जिंदगी की सच्चाई भी बताते हैं यू नो कि हर जिंदगी में जब आप कोई एक्शन करते तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी होते हैं एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ दिस आई कुड मेक द लाइफ आई हैव टूडे अगर मैं पापा की गोद में बैठी रहती तो हो सकता था कि मैं कोई कामयाब इंसान बनती या नहीं भी बनती आई डोंट नो लेकिन जब उन्होंने मुझे uh, दुनिया की सच्चाई दिखाई और मुझे कहा कि अगर आपको मेरे हिसाब से चलना है तो ठीक है अगर आपको अपने हिसाब से चलना है तो वो जो उनके उसूल थे और वो जो उनकी स्पिरिट थी आई थिंक आई टेक अ लॉट फ्रॉम दैट एंड आई आई एम वेरी आई एम मोर देन सर्टन कि अगर मैंने अपनी ज़िंदगी की कमांड खुद नहीं ली होती तो आई वुड नॉट मेड इट दिसफा ये कंफर्ट जोन जिसमें आप थी जिसमें आप पली बढ़ी ये तोड़ते हुए ये सब कुछ छोड़ देते हुए अचानक और वो भी तब जब आपके पिताजी ने आपको साफ साफ कह दिया कि हम तुम्हारा त्याग कर देंगे बहुत भारी शब्द है मैं समझ सकता हूं। हिंदुस्तान नहीं, की ऐसे किसी ने भी... इतने प्यार से नहीं बोला था अच्छा। उन्होंने उन्होंने जो एक प्रॉपर राजपूतों के घर की जो परंपरा होती है ना कि लाओ मेरी राइफल <laughs> मैं इसको उड़ा दूंगा उन्होंने इस तरह से बोला था मैं बहुत सभ्य शब्दों में बोल रही हूँ तो <laughs> हमारे अभी भी थोड़े पेट्रियाकल सोसाइटी है जी. तो अ, और जिस तरह से ख़ासकर क्षत्रियों के घर में हर बात पे लड़कियों को यू नो सो आई थिंक मेरे लिए इवन दो आई कम फ्रॉम अ वेरी एजुकेटेड फैमिली मेरे जो uh, दादा जी हैं वो भी एक ब्यूरोक्रेट थे मेरे जो परदादा जी हैं वो एक एमएलए रह चुके हैं तो हम uh, उस तरह की फैमिली से आते हैं लेकिन uh, वो ट्रेडिशन है कि अगर आपने वो लक्ष्मण रेखा लांगी तो फिर uh, राइफल से उड़ा दिए जाओगे उस टाइप से तो तो फिर आई थिंक ऑबियसली आई हैव आल्सो इनहेरिटेड माय फादर्स रेज आई हैव आल्सो इनहेरिटेड हिज इंड ऑफ uh, बंदूक लाओ गोली उड़ा गोली नेचुरली आई एम ऑफ ऑल माई सिबलिंग्स आई एम ऑन माई फादर एंड ही कंड हैंडल मी बिकॉज आई एम कम्प्लीटली ऑन एम सो सो आई थिंक वो तो होता ही है जिस तरह के इन्वायरमेंट में आप वो जो लड़ने की मुझ में है स्पिरिट एंड जो मैंने अपने बचपन से ही देखा हुआ है कि मेरे पिताजी कुछ टेम्पर्ड हैं और बहुत ज़्यादा उसूल उसूलों में जैसे मैंने आपको कहा कि बच्चों से उनको प्यार है वो है लेकिन वो उन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते लाइफ वैल्यूज़ पे वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे कि आपके प्यार में सिमट के या आंसू आ गए नहीं वो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे ही नहीं किसी भी वैल्यू सिस्टम पे वो उनका है ये बात अलग हो गई कि बिकॉज आई बिकेम वेरी सक्सेसफुल तो वो कन्फ्यूज हो गए लाइफ में कि ये क्या हुआ बिकॉज अब तक तो इनको पता था कि ये फार्मूला कभी वर्क कर नहीं सकता तो उस तक तो, तो वो सब ठीक था बट वेन आई बिकेम वेरी सक्सेसफुल स्पेशली उनके लिए फिल्मों से ज्यादा पैसों से ज्यादा शोहरत से ज़्यादा क्या मायने रखता है मेरी फैमिली में क्योंकि जैसा मैंने बताया जिस तरह के हम परिवार से आते हैं नेशनल अवार्ड मिलना बिल्कुल uh, इस तरह के फंक्शंस में आना वो भी चार बार मैं चाहता हूँ तलिया तो बजाई जाए एक दो बार <laughs> चार बार राष्ट्रीय पुरस्कार और पद्मश्री तो ये दोनों अचीवमेंट्स yes, हैं इस तरह की जैसे अभी इस फंक्शन में आना जहाँ पे चाहे गडकरी जी हो गए या स्मृति ईरानी जी हो गए इस इस तरह के उसमें आना तब वो चौंक जाते हैं अच्छा ये मतलब ऐसा हो रहा है तो उनको उस वो तरह के क्योंकि फिल्मों से उनका कोई रिलेशन है नहीं और जिस तरह से आपको पता है जो मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं ज़्यादा दौलत शहरत को वो एक्चुअली एक तरह से नेगेटिवली ही देखते हैं अगर आ, आ, आप आप समझेंगे कि कुछ कुछ ज़्यादा ही अमीर लोगों को या ज़्यादा ही चमकीले लोगों को वो बहुत इज़्ज़त की नज़रों से नहीं देखते खासकर जो आ, इस तरह के बहुत ही ज़्यादा वैल्यू सिस्टम वाली और बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस फैमिलीज़ होती हैं गांव ज़मींदारों की या छोटे गांव की तो वो उनके लिए बहुत इम्प्रेसिव चीज़ नहीं थी लेकिन आ, ये बहुत ज़्यादा है आज तो बहुत गौरवान्वित होंगे बहुत खुश होंगे बहुत ज़्यादा अब तो और कंफ्यूज्ड भी हैं कंफ्यूज्ड वो है परपैचुअली कंफ्यूज्ड है कि हो क्या रहा है <laughs> एक चीज आपने कही कि जो वो राजपूताना रेज है आपके पिताजी से आपको विरासत में मिली वो तेवर कभी कभी वो नाराजगी वो गुस्सा वो सब आपको विरासत में मिला लेकिन मैंने बहुत करीब से आपको व्यक्तिगत तौर पे भी देखा है एक चेहरा और भी है कन्ना का जो शायद बहुत कम लोगों ने देखा है और ये मंच पता नहीं मुझे इसकी इजाजत देता है कि नहीं लेकिन मौका है तो मैं कहूंगा कंगना उनमें से भी हैं कि वो तब तक कुर्सी पर नहीं बैठती जब तक उनका कोई सीनियर खड़ा हुआ है चाहे आधे घंटे खड़ा रहना पड़े कंगना उनमें से भी हैं जो अपने स्टाफ के छोटे से छोटे मेंबर को नाम से बुलाती हैं उसके परिवार को जानती हैं उसके बच्चों को जानती हैं और सबका ध्यान रखती हैं ये कंगना कभी बाहर इसलिए नहीं आती क्योंकि शायद उसको बहुत शेल के अंदर जानबूझ के इन्होंने पीछे धकेला हुआ है कि ये वाला मेरा रूप कोई जान ना जाए यह रूप मैं जानता हूं और उस रूप में अजीब तरह की सच्चाई है अजीब तरह की इनसेंस है अजीब तरह का स्मॉल टाउनशिप है अजीब तरह की मासूमियत है कंगना क्या जानबूझ के अपने आप को इतने शेल में रखा हुआ है आपने कि कहीं मेरा कोई नरम मिजाज कोई देख न ले कोई पहचान ना जाए Uh, ऐसा आई डोंट थिंक ऐसी कोई स्पेसिफिक uh, कोशिश रही है लेकिन जब मुझे मेरे टाइप के लोग मिलते हैं जैसे मैं आपके साथ होती हूँ या मेरे कुछ और भी दोस्त हैं आ, या उनको कह लीजिए कलीग कह लीजिए जो लोग मुझे इंस्पायर करते हैं मेरे गुरु के स्थान में है सीनियर के स्थान पे है उनके साथ नेचुरली मैं बहुत सेफ़ महसूस करती हूँ और मुझे बहुत खुद भी मुझे बहुत रिलेट होता है जैसे आप खुद स्मॉल टाउन से हैं आपके और मेरी जर्नी बहुत सिमिलर है सोच विचारधारा बहुत सिमिलर है तो जब अपनापन होता है तो नेचुरली एक अलग मज़ा भी आता है हमने एक फिल्म इमरजेंसी पर काम किया है साथ में तो उन उसके बहुत सुंदर गाने सर ने लिखे हैं तो इसलिए हमारा बहुत अच्छा उसके दौरान दोस्ती हुई तो वो तो एक जाहिर सी बात वो तो आई थिंक सबके ही साथ है मैं चाहता हूँ आप दो ऐसी बातें बताएं इंदिरा जी की जो हर लड़की में भारतवर्ष की हर महिला में होनी ही चाहिए कोई दो ऐसी बातें आई थिंक एक तो सबसे बड़ी ये बात थी कि उन्होंने कभी भी बच्चे पैदा होने के बाद या एक मिडल एज्ड हो जाने के बाद एक तो औरतों के लिए ऐसे भी बहुत मुश्किल होता है और एक मिडल एज्ड या एल्डरली लेडीज़ के लिए दुनिया ऐसे भी कि किस तरह से होती है वो हम सब जानते हैं मुझे थोड़े आ, इसी तरह से जैसे इंदिरा जी थी थोड़ी कंट्रोवर्शियल लोग पसंद है तो <laughs> 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 कंट्रोवर्शियल लोग थोड़ा जो अपनी लाइफ भी खुल के जीते हैं और तो आई थिंक मुझे यही बात कभी समझ नहीं आ सकी कि एक इंसान की क्या फ्रेम ऑफ माइंड रही होगी जो कि एक देश को जो है खुला जेल बना दे और पावर और सत्ता जो है उसके नशा कह लीजिए या उसके लालच में आके जो है वो इतना बड़ा एक कांड कर जाए जो कि इतिहास कभी सो आप सोचिए आज हम लोग कुछ भी एक छोटी सी चीज़ होती है हमारे जो आ, जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे छोटी सी छोटी चीज़ हम सोशल मीडिया पे डालते हैं कोई भी हिंदुस्तानी के कोई भी फंडामेंटल राइट्स थे ही नहीं पूरी देश एक खुली जेल थी जो हम आज नॉर्थ कोरिया से देखते हैं उस हिसाब से तो मुझे तो बहुत एक्साइटिंग लगा कि क्या रहा होगा क्या समा रहा होगा और क्या लोग रहे होंगे और इन द सेंटर ऑफ इट इज़ अ वूमन हु एवरी बडी अंडर एस्टिमेटेड शी इज़ नॉट लार्जर देन लाइफ फॉर श्योर शी इज़ ऑल्सो नॉट ग्रेट बट शी ट्राइड एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि एक राष्ट्र प्रेम की धारा बहनी शुरू हो गई है हमारे भारतवर्ष में और बड़ा अच्छा लगता है देख के आज आप नुक्कड़ पे हों फुटपाथ पे हों एक आम भारतवासी भी राष्ट्रप्रेम की बात करता है उसको अपनी ड्यूटीज़ का अंदाज़ा हो चुका है उसको ये पता चल चुका है कि मेरे लिए देश को आगे ले जाना भी जरूरी है सिर्फ व्यक्तिगत मेरा अपना आगे बढ़ना मेरे परिवार का आगे बढ़ना इतना काफ़ी नहीं है लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राष्ट्रभक्ति पे जो बनी हुई फिल्में हैं वो चाहे सैम बहादुर हो अभी थोड़े दिनों पहले ये फिल्म आई या तेजस हो ये फिल्में लगभग एवरेज बिजनेस करती हैं और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं पठान है जवान है एनिमल है पाँच पाँच सौ करोड़ क्रॉस कर रही हैं तो ये अजीब सा फर्क नजर नहीं आ रहा uh, देखिए हमेशा क्या होता है ना कि जो एंटरटेनमेंट है इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू इट्स लाइक इट्स लाइक एंगेजमेंट एपिटाइट जैसे हमारे हमें भूख होती है हमें खाने की भूख होती है तो हमें कभी लगता है कि यार आज ये दाल खाई जाए या ये सब्ज़ी खाए आज बैंगन खाया जाए टिंडे खाए जाए या चाइनीज़ खाया जाए या अपने अपना सामर्थ्य है कुछ होता है छोले भटूरे खाए जाए या रसम खाई तो जिस तरह से हमारी एक एंगेजमेंट एपिटाइट होती है तो जो दौर चलता है जिस तरह से वक्त चलता है एज एन इंडिविजुअल आई फील कि जो कोविड का एक बहुत ही ज़्यादा एक झंझोर देने वाला जो दौर रहा है And especially the whole world is struggling, whether it is war or it is um, other sort of uh, struggles that people are facing. is other superficial, frivolous. Entertainment is uh, resonating with people right now. You know Sometimes, I personally feel that if people are liking something something, it's just like food. You can't question somebody. दैट कैसे आपने ये यू नो जैसे इस तरह की फिल्में क्यों पसंद करी जा रही हैं जैसे आपने कहा कि जो शैलो हैं या वो प्रडिक्टबल हैं या एक टिपिकल फॉर्मेट में हैं यू कॉन्ट क्वेश्चन पीपल दे लाइक वॉट दे लाइक बट ये भी हम लोगों ने देखा हुआ है जैसे मनी करने का हो गई या उरी हो गई बहुत ज़बरदस्त बिजनेस इन्होंने किया बहुत लोगों ने सराहा पर आई थिंक इट्स अ फेज़ ऑडियंस को थ्रू फेज़ फेजिज एंड uh, आप देखेंगे स्लोली द टाइड विल टर्न और ये सब फॉर्मूलाज फिर फेल होने लगेंगे जैसे हो रहे थे इट्स अ साइकिल यू नो पीपल जस्ट फील फेड अप अबाउट प्रडिक्टेबल थिंग्स और जब एंड स्पेशली जब मैंने जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आई थी तो हीरोइंस का मतलब जो सिर्फ आइटम नंबर करती हैं सिर्फ जो आइटम नंबर करती हैं और उसके सिवाए हिरोइंस का और कोई काम ही नहीं था तो देन आई केम इन तो एक फिल्म आई क्वीन करके तो एक मैंने जूझ कर यू नो एंड एक पैलल सिनेमा लड़कियों के लिए शुरू किया आ, तो उस तरह से और भी लोग आएंगे हु विल ब्रेक दिस दिसकनवीनियंट सिनेमा पैटर्न कि आप बैठे हुए हैं या चाहे आप सॉफ़्ट पोन के तरीके से दिखा रहे हैं चाहे वायलेंस के तरीके से दिखा रहे हैं चाहे लड़कियों को आ, कर रहे हैं तो People will rise, the consciousness of human will rise, the consciousness of artist will rise, and they will challenge these. And again, the films will be there. Chahi wo Chakde India ho, wo um, Uri ho, yeah, Queen ho, Ya. Yeah. There they, they, they will come faces. But will people keep falling for the convenient popcorn cinema?

You can't really have a morality lens here, you know, yeah. because you really don't know what it is good, because it is definitely corrupting the consciousness of the youth and the, the whole. I mean, they should be watching, they definitely deserve to watch better things, but at the same time, you don't know. There are people who's, you know, whether the sweepers, the cleaners, the popcorn sellers, everybody's houses are running. तो दोनों ही दो धारी तलवार है ये बिल्कुल है फैसला आ चुका है अनुच्छेद 370 पर और माननीय उच्चतम न्यायालय ने मोदी सरकार के इस फैसले को सही ठहराया है yeah. मैं इस पे आपकी तुरंत प्रतिक्रिया चाहता हूं आप कितनी खुश हैं इस बात से कि मोदी सरकार का वो निर्णय जिसकी पूरे देश में चर्चा हुई पूरी दुनिया में चर्चा हुई फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपनी मुहर लगा दी कि बात तो सही थी आई थिंक uh, जो भारतीय जनता पार्टी है उनका सत्ता में आना ही uh, एक तरह से कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो देश जिसके जिसके लिए बहुत ज़्यादा शोषण के से गुज़र चुका था और गुजर रहा था जिनमें से ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था राम मंदिर के साथ में और बाकी कई चीज़ों के साथ में तो दिस इज़ वन ऑफ दोज वेरी इम्पोर्टेंट और उसके बाद इसके सिवा भी हमें आई थिंक भारत जो है कॉन्स्टेंटली एक एक दुख के साथ एक गम के साथ तो जीते ही हैं क्योंकि चाहे वो पाकिस्तान हो गया या चाइना हो गया या कोई भी हो गया एक तरह से बुली होते रहते हैं हम हमेशा बुली होते रहते हैं तो ये भी एक सॉफ्ट स्पॉट था यहाँ पे भी आर्म ट्विस्टिंग बहुत होती है हमारे साथ कश्मीर से या सो तो वो जो आर्म ट्विस्टिंग है जो हमारी कॉन्स्टेंटली हो रही थी या की जा रही थी वो एक पूरे देश में हमें बहुत ही एक, एक छोटा हल्का या एक वो एक हमारा हमें दिखाता था क्योंकि कोई अपना है भी चीज़ या नहीं भी है एक दोनों के बीच में ही थी वो बात जी। तो उसको उसमें अपना झंडा जाके गाड़ना जो कि मोदी जी ने बहुत पहले भी किया था लेकिन अब सरकार बना के झंडा गाड़ना एक बहुत बड़ा अपना एक महत्व तो है और भारत की हम चाहते हैं कि अब पीओके हो जाए या कल को जो भी लद्दाख को लेके बातें होती रहती हैं या मैं तो चाहती हूँ कि हम लोग सबसे पहले तो अपना कैलाश पर्वत वापस लें <laughs> हमारे जो भोलेनाथ वहाँ पे बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि मेरे भक्त इतना रोज़ रोज़ आते हैं तो इससे अच्छा है कि एक भगवा झंडा यहाँ पे भी लहराएं तो हमें कैलाश में भी वापस लेना चाहिए एंड ये एक बहुत बड़ा संदेश है पूरी दुनिया के लिए और आई थिंक दिस काइंड ऑफ लीडरशिप इज़ वट इंडिया डिजर्व्स थैंक यू कंगना बहुत समय दिया आपने एमरजेंसी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका राष्ट्रप्रेम ऐसे ही जागृत रहे और करोड़ों लोगों को जगाता रहे ऐसी मैं आशा करता हूं फिर बहुत जल्द किसी और मंच पर मुलाकात होगी बहुत धन्यवाद आप लोगों ने Thank you.